नवरात्रों का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। आइए सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली से है। देवी का यह स्वरूप ज्योतिर्मयी और सुंदर है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में माता ब्रह्मचारिणी का नाम ही सती था। हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माता का नाम पार्वती हुआ। अनेक नामों से माता को संबोधित किया जाता है। माता इस जन्म में भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। नारद जी के उपदेश से माता पार्वती ने तप आरंभ कर दिया। माता ने कठिन तपस्या की, कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट को सही। माता ने 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर शाक पर निर्वाह किया। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और बाद में माता ने उस सूखे हुए बिलपत्र को खाना भी छोड़ दिया। इसी के कारण पत्तों को खाना छोड़ने से इनका नाम अपर्णा पड़ा। इस प्रकार आचरण करने के कारण ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी हुआ। नवरात्रों के 9 दिनों की कथा आप हमारे चैनल वृंदे राखी पर सुनें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।